नमस्कार, यह वीडियो बिग बॉस में बोली गई बातों का फैक्ट्स के साथ जवाब देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि काफी सारी बातें बोली जा चुकी है और भाई होने के नाते मेरे को तो बहुत खुन्नस आ रही। लेकिन अगर आपको सच से एलर्जी है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी तकलीफ हो सकती है, बट मुझे क्या, तेल लेने जाओ। मेरे को मेरी पनिशमेंट हुई वो मेरे को उसके आप जाइए मेरे से बात ना करिए। अगर आप ठीक है मैम, नहीं है तो मेरे से बात। मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश ऐसी हुई है। वाओ, आयरनी देख रहे हो, परवरिश की बात कर कौन रहा है। कुछ चंद पैसों के लिए ना हमने अपने खुद के पिताजी के साथ और इनके पिताजी महेश भट्ट और उनकी बेटी की उम्र की लड़की रिया चक्रवर्ती के अफेयर के बारे और सुशांत सर के केस में महेश भट्ट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो मेरे भाई की परवरिश के बारे में बोलने वाले ये लोग पूरे दिन निकोटीन की च्युइंगम में चबाते हैं ताकि इनको सुट्टा पीने की तलब ना मचे। और मेरा भाई जो ना ही सुट्टा पीता, ना ही दारू पीता, ना ही कोई उसको गलत आदत, ना ही कोई नशा करता है, उसकी परवरिश। शर्म करो, तुम अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे, तुम अपनी माँ पे तन तन के जाते होंगे। ये फलकनाश, इसका खुद का भाई शिजान खान टुनिशा शर्मा मर्डर केस में जेल में था और ये मेरे भाई के संस्कारों के बारे में बोल रही है। ये आयरनी हो रही है जी। मेरी बहन से बनती नहीं है, हमने 2 साल से बात नहीं करी है, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। ये फलकनाश के खुद के शब्द थे एक मीडिया इंटरव्यू में अपनी सगी बहन के लिए। फलक ने कहा था, पिछले 2 सालों से मैंने शफक से कुछ भी नहीं सुना है, हम संपर्क में नहीं है। और ये मेरे भाई की परवरिश के बारे में बोल रही है। ये इसकी पूरी फैमिली को मीडिया के सामने बैठ के इसके भाई के बेगुनाही के सबूत देने पड़े थे कि वो बेकसूर है, उसे बख्श दो। यही तो परवरिश है, यही तो संस्कार है, यही तो आयरनी है। आयरनी हो रही है जी। और ये मिस्टर अविनाश, इसके बारे में तो वैसे भी इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, इसको तो सल्लू भाई ने इसकी सही जगह दिखाई दी थी। अविनाश, इस शो में आप खुद तो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो, हम ही आपको कहीं पहुंचा देते हैं। जाइए अविनाश एंड एंजॉय द शो फ्रॉम द अविनाश। सुबह हम बात कर रहे थे ना, ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए मदर्स डे विश कर देते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यार मम्मी जाने दो ना यार, करने दो ना भी। यू नो, ये जो इसने मदर्स डे वाली बात करी, द फनी थिंग इज कि मैंने और मेरे भाई ने आज तक किसी भी मदर्स डे, फादर्स डे या कोई भी ऐसा डे होता है उस पे कभी फोटो पोस्ट करके सोशल मीडिया पे ये जताया नहीं है कि आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि हम मजाक में ऐसे बोलते रहते हैं कि यार एवरी डे शुड बी मदर्स डे, एवरी डे शुड बी फादर्स डे, उनको एक ही दिन पे क्यों स्पेशल फील कराएं, हर रोज स्पेशल फील करवाओ, मजाक में ही बोलते हैं। बट ठीक है, पर ये तो हमारी माता जी तक ही पहुंच गई कि अभिषेक तो अपनी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करता होगा, उनसे ढंग से बात नहीं करता होगा। अरे तुम्हारी अनबन हुई अभिषेक से, तुम्हारे जो मन में आया तुमने बोल दिया, चलो ठीक है, पर तुम्हारा भाई तो जेल में है। अरे उसको तो चढ़ा ले, खून तो नहीं किया कम से कम मेरे भाई ने। अभिषेक एक्सक्यूज मी, 2023 एंड दीस गाइस आर अलाउड टू से दिस, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। हेलो, यही चीज अगर मैंने बोली होती या किसी और यूट्यूबर ने बोली होती तो उसके पुतले जला रहे होते, नारे लगा रहे होते उसके अगेंस्ट, बट ये कूल है, एवरीबॉडी इज फाइन विद इट। हेलो LGBTQ कम्युनिटी वालों, तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, मेरे को क्या। और यहाँ पे अविनाश ने जनानी वर्ड का इस्तेमाल किया है अभिषेक के लिए, बिकॉज उसका मानना है कि अभिषेक जो है वो पीठ पीछे बातें करता है, इधर की बात उधर करता है। एक्सक्यूज मी अविनाश, एक्सक्यूज मी, तुझसे बड़ा दोगला आदमी इस घर में कोई नहीं है। एक्चुअली बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक तुझसे ज्यादा दोगला आदमी नहीं आया, जो एक जगह आके अभिषेक की चुगलियां कर रहा है, उसको मिडल फिंगर दिखा रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और जब तुझसे पूछा जाता है कि तूने अभिषेक को मुंह पे ये चीज क्यों नहीं बोली, तो तू कहता है उस वक्त जोन में था ना, इसलिए कुछ नहीं बोला, वरना तो तभी रिप्लाई कर देता। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड्स वाला आदमी है यार। बस कर भाई, कितनी चुगलियां करेगा, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इसके लगाओ बे, ए मारो इसको। आ ये प्राणी, आ हा हा, क्या बात है, एक बार बस इसको देखो, ये प्राणी, यस ये एक प्राणी है, यस यस, बस बस देखो, कुछ नहीं बोल रहा भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस देखेगा। वाओ, व्हाट अ कुदरत का करिश्मा दिस इज, ये टुनटुन मौसी मिक्स डॉली बिंद्रा जैसी दिखने वाली प्राणी, इसको लोग जेल कैसे रहे हैं? मैंने 2 मिनट बिग बॉस देख लिया था, इसकी आवाज सुन सुन के मेरा टीवी पे मुक्का मारने का मन कर गया था, और जो कान से खून निकला था वो अपने भाई पे तरस आता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं कि मेरे भाई को शक्ति दे कि इस प्राणी को झेल सके वो। इतना बदतमीज है, उसको ज़बान पे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, मैं को नहीं सुनती इसकी आवाज। ओके, प्लीज, वो बात करना है। मैं नहीं कर सकता। अबे इसे कोई चुप करवाओ, मैं को नहीं सुनती इसकी आवाज।
बेबी का हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई लेवल ही नहीं है। फॉलोअर्स का मतलब क्या है? पर गुरूर तो उसी बात का है भाई, इनको एक नंबर है। बाय गॉड, ये लोग अभिषेक के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। प्रोबेबली इनको लगता है कि वो इजी टारगेट है, इनके अकॉर्डिंग उसके फॉलोअर्स फेक है, इनके अकॉर्डिंग उन्हीं फेक फॉलोअर्स का उसमें घमंड भी है। गुरूर तो उसी बात का है। फॉलोअर्स कितने असली है नकली है वो तो मिडवीक की वोटिंग में पता चल गया था, जहाँ पे अभिषेक को 2.1 मिलियन वोट्स पड़े थे। इतनी तो बिग बॉस वालों की वॉचिंग नहीं होगी जितने उसको वोट्स पड़ गए थे। तो तुम देख ही सकते हो कि हवा किसकी चल रही है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुई अभिषेक से कि वो लड़का बोलता कुछ है करता कुछ और इस उम्र में सारे आंसर्स जो सवाल लिखे नहीं गए हैं उसके भी जवाब है उनके पास। और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, बेबी का चाहे तो अभिषेक को कंटेंट चोर बोले, वो उसको थप्पड़ मारने की धमकी दे, या फिर उसको वो कुछ भी जो उसके मन में आए वो बोले, लेकिन अगर अभिषेक उसका रिप्लाई कर दे तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ये मर्दों से प्यार से बात करता है ताकि पिटे ना और औरतों के सामने धौंस जमाता है, ये कहां की मर्दानगी है? अभिषेक जो है वो मर्दों से जो है इज्जत से बात करता है ताकि वो उसको पीट ना दे, लेकिन लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करता है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभिषेक की हाइट 6'3" है। अभिषेक ऑलमोस्ट 100 किलो का आदमी है। उसके डोले का साइज मेरे हिसाब से 18 इंच है, बट हो सकता है थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो। और जहां तक बात रही फिजिकल पावर की, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज माय ब्रदर। कितना जिम करता है, कितना वेट लिफ्ट करता है, आई नो। मेरे को नहीं लगता उस घर के अंदर वो किसी से भी डरेगा, ठीक है? वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, जो उससे ढंग से बात करेगा उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा। आई डिमांड रिस्पेक्ट। अगर तुम रिस्पेक्ट दे सकते हो तो बात करो, नहीं कर सकते तुम भाड़ में जाओ। ये घर के अंदर ये पूजा, फलक और बेबिका, ये सिर्फ वुमेन कार्ड खेले जा रही है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आप सामने से हमारे बारे में अगर कुछ भी बोल देंगे तो ओ हाउ कैन यू से दैट टू अ वुमेन। औरतों के सामने धौंस जमाता है, ये कहां की मर्दानगी है? अरे तुम उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो चाहे तो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया, ओ माय गॉड, आप तो अब हर महिला के साथ ऐसे ही बात करते होंगे, आप तो अपनी मम्मी की भी इज्जत नहीं करते होंगे, तू ऐसे रोएगी किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तू कौन सा दूध का दूल्हा है? रातों रात बाहर फेंकवाना चाहता था ना, अब तू बता मेरे सामने। बेबिका जब रो रही थी, अभिषेक उसको मनाने के लिए गया कि यार बेचारी रो रही है, चलो उसको कंसोल कर देते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ? तू कौन सा दूध का दूल्हा है? वो उस पे उल्टा चढ़ गई, उसी पे चिल्लाने लग गई कि तू भी ऐसा ही है, तू ये करता है, तू कौन सा दूध का दूल्हा है। एंड द फनीएस्ट पार्ट, वीकेंड का वार, सलमान खान ने खुद बेबिका को बोला सामने से कि हाँ तुम पोक करती हो, लड़ती हो लोगों से, तो कह रही है नहीं मैं नहीं करती। अबे टुनटुन मौसी, अंधे थोड़ी ना है लोग, 24/7 बैठ के लाइव देख रहे हैं लोग, और तुझे सलमान खान खुद आके बोल रहा है कि तू करती है, तो कह रही है मैं नहीं करती। और फलक को भी सलमान ने बोला कि तुम परवरिश की बात क्यों करती हो, हमेशा माँ बाप पे घर वालों तक क्यों पहुंच जाती हो, तो वो अभिषेक को पीछे में जाके बोलती है मैंने परवरिश पे नहीं बोला, दान, 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 मैं जमीन में गड़ जाऊंगी अगर मैं परवरिश पे। ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए। अरे तू जाके अपने भाई को जेल से निकलवा यार। अभिषेक के अगेंस्ट ज्यादातर लोग घर में इसलिए हैं क्योंकि वो पूजा का पिछलग्गू नहीं है, उसके पीछे पीछे नहीं चल रहे, पूजा की चाट नहीं रहे बेसिकली। क्योंकि ये 99% लोग जो बिग बॉस के घर में आए हुए हैं ना, इनको सिर्फ लगता है कि पूजा जो है वो एक प्रोड्यूसर है, तो वो शायद रोल दे देगी इनको अपनी फिल्मों में। शो की तरफ से मुझे लगता है अनफेयर एक वो दिया जाता है कि ऑफ कोर्स शी इज पूजा, बट आई मीन शी यूज्ड टू बी अ टॉप एक्ट्रेस बिफोर वी वर इवन बोर्न, गाइस कम ऑन मैन, हाउ कैन यू इवन से एनीथिंग टू हर। कितने मूवी करे इसने? वन। वैसे भी उसकी फ्लॉप फिल्में देख कौन रहा है, और मुझे तो वैसे भी नहीं जाना है, तो मैं तो बोल सकता हूँ पूजा भट्ट इज बेसिकली महेश भट्ट की मूवी की एक टिपिकल च्युइंगम चबाती हुई वैम्प। एंड अभिषेक क्योंकि उसकी पूजा नहीं करता है, यू गेट द पन, पूजा की पूजा, इस वजह से पूरा घर अभिषेक के अगेंस्ट है, बट ऑडियंस तो अभिषेक के साथ है ना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने जितना प्यार दिखाया ना, आई लव यू ऑल यार, सीरियसली हर एक यूट्यूबर मैंने देखा है अभिषेक के लिए खड़ा हुआ है, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। कीप डूइंग दैट गाइस, एंड इस वीडियो को लाइक करना इफ यू एंजॉयड इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।